स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट यूनिट नंबर 4 ऑफ ग्रामर स्किल. ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 15. नाउन्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. एज ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ अ नाउन. नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, दैट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ओके, फ्रेज, व्हाट इज़ अ फ्रेज. Phrase is a group of words that work together to make meanings, but it is not a complete sentence. Okay? Phrase क्या होते हैं? Group of words होते हैं जो इकट्ठे मिलकर काम कर रहे होते हैं, जो कुछ meanings बनाते हैं, लेकिन complete sentence नहीं होता. Okay. A phrase क्या होते हैं? It is a group of words that work together to make meaning, but it is not a complete sentence. Okay? Phrase, group of words होते हैं जो meaning बनाते हैं, लेकिन ये complete sentence नहीं होता. ठीक है, understand? हमने read out करने हैं noun phrase. What is a noun phrase? A group of words containing a noun and working as a subject or object. ठीक है, नाउन फ्रेज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो नाउन पे कंटेन होते हैं. ठीक है, नाउन होते हैं उसमें, लेकिन वो एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहे होते हैं. ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ नाउन एंड फंक्शनिंग इन अ सेंटेंस एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट. मतलब एक वर्ड या वर्ड्स का वो ग्रुप जो नाउन पे मुश्तमिल होता है और कैसे फंक्शन कर रहा होता है, एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं या एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं. सब्जेक्ट एज ए डूअर एंड ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क हैज़ डन. ठीक है, सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हुआ होते हैं. तो नाउन फ्रेज क्या होते हैं? वो वर्ड्स का एक ग्रुप होते हैं जो एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट वर्क कर रहे होते हैं. ओके, समझ आ गया आपको? ओके, लेट्स रीड फ्रॉम बुक. अ नाउन फ्रेज डज द वर्क ऑफ ए नाउन. ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि जो नाउन फ्रेज है वो वर्क कर रहे होते हैं एज ए नाउन. टू फाइंड अ नाउन फ्रेज, आस्क व्हाट और हु बिफोर और आफ्टर द वर्ब. ठीक है, नाउन फ्रेज को फाइंड करने के लिए हम हु और व्हाट जो हैं एज अ वर्ब, मतलब उसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं. अ नाउन फ्रेज हैज़ नो फिनिट वर्ब. कोई फिनिट एग्जैक्ट वर्ब नहीं होता. मींस अ वर्ब दैट शोज द टेंस. वो वर्ब नहीं होगा जो हमें टेंस बता रहा होता है. फॉर एग्जांपल, टोल्ड और सेज. बट इट माइट कंटेन पार्ट्स ऑफ अ वर्ब. उसमें वर्ब के पार्ट्स होते हैं लेकिन एग्जैक्टली वो टेंस नहीं शो कर रहा होता. ठीक है, A noun phrase is not a complete message on its own. It can come before the verb or after the verb. Noun phrase जो है, okay, so a noun phrase is not a complete message on its own. जो noun phrase है वो complete message नहीं होता. It can come before the verb or after the verb. ये verb से पहले या verb के बाद आ सकते हैं. Let's do it from the book, okay? पेज नंबर 15, ए पार्ट. सर्कल द वर्ब इन ईच सेंटेंस एंड अंडरलाइन द नाउन फ्रेज. अब आपको वर्ब को सर्कल करने और नाउन फ्रेज को अंडरलाइन करने. ओके, वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं. ठीक है, एक्शंस, द एक्शन वी डू. ठीक है, जो काम हम कर रहे होते हैं दैट इज़ अ वर्ब. एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब. आर एक्शंस, स्पीक, कीप, लीप, pick, remember, sing, jump, write, learn, these are the verbs. So verb is an action word. तो हमें verb को circle करना है और noun phrase को underline करना है. Okay, in sentence number 1, I cannot remember my new phone number. So remember here is the verb and new phone number. Phone number is a noun phrase. Underline it. Number 2, exercising in hot weather is foolish. Now here, exercising in hot weather. As I have told you that a noun phrase works like a subject. ठीक है, एक subject के तौर पे भी काम कर रहे हैं. तो exercising in hot weather is noun phrase. Sorry, is a verb
इसको सर्कल कर दीजिए. एक्सरसाइजिंग इन हॉट वेदर इज़ अ नाउन फ्रेज. नंबर थ्री, द लेटेस्ट कंप्यूटर. कंप्यूटर इज़ अ नाउन एंड द कंप्लीट लेटेस्ट कंप्यूटर इज़ अ नाउन फ्रेज. इज़ वेरी फास्ट एंड ईजी टू यूज़ इज़ अ वर्ब. आई हैव रिटन डाउन द नेम ऑफ द बुक. बुक इज़ अ नाउन बट द नेम ऑफ द बुक इज़ नाउन फ्रेज. हैव रिटन इज़ वर्ब. द टाइम ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम. प्रोग्राम इज़ नाउन बट द नाउन फ्रेज इज़ द टाइम ऑफ द टेलीविजन प्रोग्राम. कंप्लीट सेंटेंस अंडरलाइन कीजिए. दिस इज नाउन फ्रेज. वॉज इज़ अ वर्ब. ओके, वॉज एट 8 PM. नंबर सिक्स, हैव यू हर्ड अबाउट जॉन्स गुड फॉर्चून. सॉरी, हैव एंड हर्ड, दीज आर वर्ब्स एंड जॉन्स गुड फॉर्चून इज नाउन फ्रेज. द फोटो ऑफ माई आंट ऑन हॉलीडेज वॉज वेरी क्लियर. द फोटो ऑफ माई आंट ऑन हॉलीडेज इज अ नाउन फ्रेज. वॉज इज अ वर्ब. क्लियर? ओके. द डिटेक्टिव प्लेस द टाइम ऑफ द मर्डर एट अबाउट 3 AM. नाउ प्लेस्ड इज अ वर्ब. टाइम ऑफ द मर्डर एट अबाउट 3 AM इज अ नाउन फ्रेज. ओके ओके, डू द नेक्स्ट बी पार्ट. एड अ नाउन फ्रेज टू कम्प्लीट दीज सेंटेंसेज. इन सेंटेंसेज को कम्प्लीट करने के लिए नाउन फ्रेजेज को हम ऐड करेंगे. ठीक है. आई हैव ज्वाइन डैश. आई हैव ज्वाइन अ बर्थडे पार्टी. डैश इज़ नॉट अ वेरी नाइस थिंग टू डू. वेस्टिंग टाइम. ओके, वेस्टिंग टाइम इज़ नॉट अ वेरी नाइस थिंग टू डू. नंबर थ्री, रीडिंग स्टोरी बुक्स इज़ माई फेवरेट लेजर टाइम एक्टिविटी. नंबर फोर, माई फ्रेंड्स प्रीफर स्टडी टू बिजनेस. नंबर फाइव, ऑल द स्टूडेंट्स ज्वाइंड इन द साइंस एग्जिबिशन. नंबर सिक्स, ही वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर प्लेइंग बैडमिंटन. नंबर सेवन, मोर देन 96% मार्क्स इन एग्जाम्स कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अचीव. यू कैन राइट योर ओन नाउन फ्रेजेस इफ़ यू वॉन्ट. ओके.